चलो नि सही हो सर से नु चलिए ये शब्द जेड़ा आपने सुनया है मैं हमेशा दसदा हुंदा है। महाराज सावन सिंह ने संगत नूं हुकम दिता क्योंकि सरसे वो अपनी जमीन नूं आबाद कर रहे सन, उत्थे मकान बना रहे सन, भई कोई उत्थे ना आवे, जिन्हें दर्शन करने हैं वो डेरे विच ही आ गए। जिन्हां दा दीन ईमान ही गुरु होवे, जेड़े दर्शन बगैर खाना ही खा के ना खुश होवे, हुण तुसी देख सकते हो कि वह किवें रह सकते हैं। 6 महीने बीत गए सन, उन्होंने हुक्म यह सी भी उत्थे कोई ना आवे। उत्थे एक यही संदेश सी, यही एक जिरिया सी आपदी लिखत दे जिरिए प्यार नूं इजहार करन दा कि साड़ी की हालत है। ये भजन अजे मैनू नाम नहीं मिलिया सी, मैं आर्मी सी, तो जिहड़ा साडा आर्मी का साहब सी वह महाराज सावन सिंह का नाम लेवा सी, मैं अपरेटर सी, उहदे साथ जाण दा आम तौर पर मौका मिलदा रहिंदा सीगा, जिस करके मैं थानू उस महान संत सतगुरु दियां काफ़ी गल्लां सुणाउंदा रहिंदा है। तो उदों नहीं पता सीगा कि जिस दी ये लेखनी है, जिस दा ये शब्द है, आने वाले वक्त विच ये मेरा ही गुरुदेव, मेरी ही आत्मा नूं संभालण वाला बनेगा। इहदे विच तुसी देख ही लिया है कि उन्होंने दिल च किन्ना विछोड़े का दर्द सी, किन्ना दर्शन का दर्द सी। ऐसी हालत जब गुरु अर्जन देव नूं भी हुक्म मिलिया, जब उन्होंने पिता ने उन्होंने बरादरी के लाहौर शादी सी कि जी तुसी शादी में हाजिर हो, वो कहन लगे भी थानू पता ही है संगत का कितना कम है। वो कहिंदे अच्छा तुसी किसे बच्चे नूं भेज दिओ। बड़ा लड़का जो सी वो पृथ्वी चंद सी, जो कि इंतजाम करता सी संगत का, लेकिन साथ वो हंकार भी रखता सीगा भी अगर मैं ना होवां तो संगत का कम चल ही नहीं सकता सी, क्योंकि मत थोड़ी सेव गवाइए प्यारो, हंकार साथ बैठा हुंदा है। इस सेवा कीती दी करन वाले दी खोण वास्ते मौके दी ताक विच हुंदा है, हंकार पैदा कर दिंदा है। जद उहदे दिल च ख्याल कहिंदा जी देखो मैं किस तरह जा सकदा हां, अगर मैं गया तो संगत दा इंतजाम कौन करेगा। गुरु साहिब ने बथेरा कहा भई तू इस इंतजाम कनी ना देख, वो तां कम चलदा ही रहेगा, पर्दे पिछे गुरु करदा ही रहिंदा है, लेकिन असी आपदे बाहूबल ते मान रखदे हैं। जिहड़ा छोटा महादेव सी वो आम तौर ते मस्त सी, उहनू कहा उहने कोई जवाब ना दिता। तो अर्जन देव बहुत छोटी उम्र दा सी, उसनू हुक्म दिता, साथ ये भी कह दिता कि बेटा जब तक तैनू मैं ना कहां मेरा कोई संदेशा ना जावे तो तू इत्थे नहीं आना गा अमृतसर विच। हुण 30 मील का ही अमृतसर और लाहौर का फासला सीगा, वो आ भी सकते सन, पर
ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। 432,000 ਦੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਅ ਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਰਾ ਯੋਗੀ ਵੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਹਿਤੁਤ ਭਗਵੰਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਸੱਦੋਗੇ ਕਦ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਮੋਏ ਰਹਿਣ ਨਾ ਬਿਹਾਵਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਮੇਰੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ, ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀਓ, ਕਦ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਬਹਿਬਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ, ਕਦ ਪੈਸੀ ਦੀਦਾਰ, ਅੱਖਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਲ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਉਹ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਜੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਰਾਪਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ, ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਹਿਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧਕਾ ਦੋ ਨੈਣਾ ਕਰ ਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਅਕੜਾਉਣੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਿਹੜਾ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਰਸਲ ਪ੍ਰਕਨਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸੰਤ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਮ ਹੈ,
उत्थे जाके पता लगता है कि आत्मा जो है वो ओही चीज है जिस तत्व का वो प्रभु परमात्मा बनया है। ना ये औरत है, ना मर्द है, ना ये अमरीका दे रहन वाली है, ना हिंदुस्तान दे रहन वाली है। जब उत्थे पहुंचते हैं फिर ही सानू पता लगता है कि हर पशु पंछी के अंदर, इंसान अंदर ओही आत्मा है। तो संत मत दे अंदर औरत मर्द नू कठिया नू बिठा के नाम दिता जाता है। तरक्की करन दा अवसर भी सब नू इको जिहा ही हुंदा है। गुरु नानक ने कहा औरत करे कमाई वो पा सकती है, मर्द करे वो पा सकता है, बुढ़ा करे बाल करे। मसला तो प्यार दा है, तड़फ दा है और परोशे दा है। सो इस वास्ते मैं ये थानू कहा सी कि जिन्ने दिन मैं इत्थे होऊंगा रोज थानू सहजोबाई दी बाणी ते सत्संग सुनाया करूंगा। सो रात भी सहजोबाई ने चेतावनी दिती कि दुनिया का जो समान है वो थोड़े साथ नहीं जाएगा, थोड़ी देह भी थोड़ी सगी नहीं कि जिहड़ी थोड़े साथ चली जाए, इत्थों ही लई इत्थे इहनू छड जाना है। सो सत केड़ी वस्तु दसी सहजोबाई ने? नाम, शब्द। नाम तो बगैर सब चीज कूड़ है, नासवान है। तो नाम ही सब पासे नू सता दे रहा है। वो अमोलक नाम प्रभु ने साडे शरीर अंदर रख्या होया है। लेकिन ये वस्तुआं जितनियां भी इत्थे आके असीं प्राप्त करदे हाँ, धन दौलत है, महल माड़ियां हन, मान वडियाई है, ये सारा कुछ ना तो असीं लैके आए सी, ना असीं लैके जा ही सकते हैं। इत्थों दा समान इत्थे छड के चले जाना है। फिर ये भी सहजोबाई ने दसिया कि अगर तो साडे जिहड़े पहलां गए है वो साथ लै जांदे, साडे हिस्से विच ना आउंदे। तो फरीद साहब ने भी कहा किथे तेंडे मापिया जिन्नी तू जणिया होए, तैं पासों चल गए तू अजे ना पतीनिया होए। किथे है बई तेरा वड वडेरा, तेरे पास उठ गए पर तेरे कन दे उपर जूं नहीं रिंगी, बे मैं भी छड के चले जाना है। तो खाली हथ इंसान मुठ्ठी मीज के जन्म लैंदा है, कबीर साहब कहिंदे हाथ पसारे जाएगा। तो हथ पसार के चलिया जाता है। कबीर साहब कहिंदे कहो कबीर कुछ गुण विचार, चले जुआड़ी दोए हथ चार। जुआरिया सारा दिन इस आस विच बैठा रहिंदा है कि शायद मैं जुए नूं जित के करे जाऊंगा। बेचारे दे जिहड़ा कुछ पास हुंदा है वो सारा ही हार के ते शाम नूं हथ चाड़ के करे जा वड़दा है। सो सहजोबाई सानू बड़े प्यार नाल समझाउंदी है। आप सो जी बैराग उपजावन का अंग, सहजोबाई का सहज प्रकाश, पन्ना नंबर 17। यह मंदिर यह नार है, यह तन यह संतान, तेरो नाम सहजो कह काहे करत गुमान। सहजो भाई कहती है कि देख भी तू गुमान करता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी स्त्री है, इतना बड़ा मेरा मंदिर मकान है, ये झूठा है, ये इत्थों दा इत्थे रह जाना है। हंकारिया सो मारिया। भगत नामदेव जी कहते हैं मेरी मेरी कैरों कर दे दर जोधन से पाई, बारह जोजन छत्र चला था देही गर्जन खाई, सर्व सोने की लंका होती रावण से दिखाई, कहाँ पे
दल बांधे हाथी ते खिनवे पई पराई तो कहन लगे कैरवा पांडवा ने बड़े बड़े किले बनाए। दुर्योधन एक सूई दे नके जिनी भी जगह देण नू पांडवा नू तैयार नहीं सी। कहन लगे आखर वो हंकारी राजे दी दे जिहड़ी सी वह गिरजा नू भी खाण नू ना थई कि उही आपदी उपजीवा पूरी कर लेनी है। तो कहन लगे रावण सोने दी लंका दा मालिक सी, उहदियां बहुत सारियां अटारियां महल सोने दे सन, सोने दी मीनाकारी सी विच। तो कहिंदे खिनवे पई पराई, जद उहदी हार होई श्री रामचंद्र जी महाराज तो फौरन वह पराई हो गई जिदा वह इतना माण करते। सो इस वास्ते सहजो बाई कहती है कि यह थोड़ा जोड़ा माण है गुमान है यह झूठा है। गुरु नानक कहते हैं जो घर छड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तो दवरतना तिसकी चिंता नाहे। जिथे सदा जाना है उहदा कदे ख्याल ही नहीं किया गा, जिहड़ा छड के जाना है उसकी चिंता लगी हुई है। जी जन्म जुआ सो हारे हो कियो न लासूल, डार पात फल सींचे कर सहजो काटत मूल, सहजो गुरु परताप सू ऐसी जान पड़ी, नहीं परोसा श्वास का आगे मौत खड़ी। कहन लगी मैं गुरु दे चरणा विच जद गई, जद उन्होंने नाम दिता समझाया कि बेटी ये दुनिया का समान इत्थे रह जाना है, ये दुनिया एक जुआ है, सारे हार के तो हथ झाड़ के चले गए है, तैं भी चले जाना है, मौत का यह नहीं पता कि किहड़े वेले भरिया बाजार छड़ के चलिया जाना है। जद मरदाने ने गुरु नानक नूं पुछया कि जी जीवन जेड़ा है वह कितना का है, किन्नी का आस रखते हैं, तो सच केड़ी चीज है झूठ केड़ी है। वो कहन लगे तू दस भी मरदानिया तेनू सत्संग सुनने नूं बड़ा चिर हो गया। वो कहिंदा जी एक पलांग पट्टी है, दूजे कदम का पता नहीं, एक कदम का मैं पुट लिया है। कहिंदे फिर तो काफ़ी लंबी आस है। अगे जी तुसी अगे साह उपर गया मरदानिया, पता नहीं मुड़ना या नहीं मुड़ना। तो जो उन्हें पूछा सच झूठ का निर्णा, तो गुरु नानक ने उन्हूं भाई मूले दे पास भेजिया कि इहदा उत्तर तैनूं उह देवेगा, क्योंकि उस शहर विच गुरु नानक मरदाना गए हुए सन और गए भी उस मूले की खातर ही सन। उसनूं जद पुछया कि भई तुसी दुकान का व्यापार का कम करदा है, मैनूं सौदा दे दे सच और झूठ का। उसने कागज के उपर लिख दिता कि मरना सच ते जीवना झूठ। जब वह कागज गुरु नानक को लेके गया जी उन्होंने तो आ सौदा देता है, वह कहिंदे मरदानिया ये तो तैनू बहुत सौदा उन्हें चंगा दे दिता है,
ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਸਵਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਜੀ ਪੀਤਰ ਕਾ ਪੀਤਰ ਖੁਲੇ ਕੈ ਬਾਹਰ ਖੁਲ ਜਾਏ, ਦੇਹ ਖੇ ਹਵੇ ਜਾਏਗੀ ਜੈ ਹੋ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਸਾਹ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਹ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਰੁਕੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤੋ ਮੌਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਵਾਸਾ ਦੀਪਕ ਕੇ ਬੁਝੇ ਹੋਤ ਅੰਧੇਰੀ ਦੇਹ, ਸਹਿਜੋ ਸੁਨੀ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਨ ਜਬ ਕੈ ਸੋ ਹਰ ਨੇਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਾਸ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੋਂ ਤਿਲ ਕੱਟਣ ਨਾ ਵਧਣ। ਗਣ ਕਾਲੇ ਸਭ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਨਾ ਕੱਟਣ ਵਧਣ ਤਿਲ ਸਾਰ, ਜੀਵਨ ਲੋੜੇ ਪਰਮ ਵਸ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਗਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੱਟਣ ਨਾ ਵਧਣ। ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੇਹ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਲੱਗਿਆ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਨੀ ਨਿਗਾਹ ਟਕਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਏ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਇਆ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਗਾਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਗਾਮ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ
होर लोग तो उत्थे आके दर्शन करते रहे ते चौधरी साहब हुक्का ही पींदा रहा। उसने एक दो सियाणा आदमी ने उत्थे सत्संगी तो कोई नहीं सी, कोई सियाने आदमी सी, वह कहिंदे बई इतना पता सी कि विश्व धर्म का अध्यक्ष है। आम तौर जे किसी नूं इह जी उपाधि मिली हुंदी है लोकां दे उत्ते उपाधि का भी बड़ा असर हो जाता है, बई तू उन्हां नाल कोई गलबात कर। तो साढ़े राजस्थान की भाषा से आम तौर पर संत नूं मोढ़ा बोलते हैं। वो कहिंदा हाँ तुसी मोढ़े नूं कुछ ना कुछ दे दिओ, मैं तुहानूं की याद है, मेरे कोल कित्थे है टाइम। तो घर आए ना बात ना कर सकया, दर्शन ना कर सकया। आखिर संत किसी नूं बददुआ नहीं दिंदे गे, पर कुदरत ने कई ऐसे खेल जिंदगी च दिखा दिंदी है। जिहड़ा उहदा हुण हार लड़का सी कुछ दिनों बाद वह गुजर गया। उहदा जवाई सी कुछ ही दिन होए सी, बड़ा पैसा खर्च करके उसने लड़की की शादी करी, वह भी उस एक्सीडेंट च गुजर गया। वह चौधरी खुद चल के मेरे पास आया, क्योंकि मन अंदरों अगवाही दे दिंदा है कि तेरे जे गलती सी। तो मैं आख्या भी हुण की बनता है, कहिंदा मैं लड़कियां नूं कह गया है कि 50,000 रुपया पिछों स्कूल ते खर्च कर देन। तो मैं आख्या तू जिउंदा कह दे, तो काल जिउंदा ऐसा भी मुंह चों कहण नहीं दिंदा गा। कुछ दिनों बाद वह बीकानेर चोला छड़ गया। तो कहण दा भाव मेरा इतना ही है कि असी लोग मरिया पिछों सारा कुछ करते हैं या करन दी सलाह दे जाने हैं। संत कहिंदे आ जो कुछ बनता सो अभी भी बनाओ, अगे दा ना भरोसा धरना। अगे दा प्यारे ओ की पता है। हाँ भाई सह जो फिर बचताएगी श्वास निकस जब जाए, जब लग रहे शरीर में राम सिमर गुण गाए। कहन लगे जिन्ना चिर शरीर दे विच है श्वास चलते है उन्ना चिर भजन कर, मगरों पछताया की बनेगा जो श्वास तेरे निकल गए। स्वामी जी महाराज ने कहा मशक समान जान ये देही बहती आठो जान। जिमें पानी के बखाल अंदर पानी भरिया हुंदा है, तो किन्ना चिर उहदे विच पानी रहेगा, जद उहदा मुंह खुलेगा वो फौरन वो खाली हो जाए। ये देह नूं भी मशक करके स्वामी जी ने बयान किया है। तो कहन लगे मशक दा तो एक पासे मूँह हुंदा है, तो साडा श्वास उपर जाता है, साडी मशक जो दो पासे खाली हुंदे है, उपर जाता है थले जाता है, वो भी गिणती च है, उपर वाला आने वाला भी गिणती च है। तो फिर पिछे पछताया कबीर साहब कहिंदे राम सिमर पछतावेगा, पापी जीड़ा लोभ करता है आज काल उठ जाहेगा। धर्मराव जब पूछ से बबरे की जवाब सुनावेगा, जद पूछेगा की जवाब देवेगा। जी श्वास खजानो जात है ताकि सोधी जो
की बाजत है दिन रैन, मूरख सोवत है महा चेतन कूने चैन। हिरना कुछ से हवे मिटे दुरियो तन शिष पाल, कुंभकर्ण रावण गए सहजो खाया काल। काल जड़ा है 24 घंटे ताक विच रहिंदा है। असी ये सोचते हैं कि नरकां स्वर्गां दियां जो कहानियां हन ये संतां ने सिर्फ जीवां नूं डराउण वास्ते लिखियां हन, ये मनोकल्पना ही है, इहदे विच कोई सच्चाई नहीं। खाओ पियो मौज उड़ाओ, कोई धर्म राजा नहीं, कोई चित्रगुप्त नहीं। प्यारे कह दिंदे असीं जरूर हैं। मैं दसदा हुंना है कि जद असीं कोई पुन करना है, कोई अच्छा कर्म करना हुंदा है, असीं पंडित तो मौलवी तो भाई तो आपो अपने समाजा दे असीं ठेकेदारां तों जाके पुछदे हैं जिहड़े कि इहनां नूं चला रहे है जां सेध दे रहे है कि किहड़ा दिन अच्छा है, किहड़ा मुहूर्त अच्छा है। लेकिन जद पाप करना हुंदा है कदे किसी ने प्यारे मुहूर्त नहीं पुछया। और ना कदे टाइम ही देखया है, ना दिन ना रात। माता धी ना सलाह नहीं करती, बाप बेटे ना सलाह नहीं करता गा। जिहदा मौका लगता है उही फायदा उठाउण दी कोशिश करता है, लेकिन उस फायदे दा जो लोके कमाउंदा है इहनू नहीं पता कि मैं फंदा गल विच पाउणा है, मैनू कोई देख रहा है। तो मैं दसदा हुंना है कि किस तरह असीं पुन्ना दा बदला भी चुका रहे हैं। देच पुन्ना दा इनाम की है बई, तंदरुस्ती, अच्छी बुद्धि दा होना, अच्छे घर विच पैदा होना, हर प्रकार दी सहूलत होनी, इह पुन दा इनाम है। तो पाप दी सजा की है? गरीब घर चाहना, बीमारी ने पिछा ना छड़ना, बुद्धि अच्छी ना होनी। अगर इस तो भी ज्यादा पाप है तो नरकां च जाने हैं। नरकां दे हाल जो सुंदर दास नूं, भाई सुंदर दास नूं महाराज कृपाल ने दिखाए, वो तुसी मिस्टर ओबराय की किताब लिखी पढ़ के देख लो कि डंड मिलते हैं, किस तरह मेखा ते तोरिया जाता है, किस तरह वेलने दे विच पाके उन्हां दा खून नचोड़िया जाता है। ते आम संगत दे सामने महाराज कृपाल ने दिखाया। फिर ये पुछया कि तू सुरमद दे या भीखा जी दे दर्शन किते है? वो कहिंदा जी नहीं, उन्हां दे भी उन्हूं दर्शन करवाए। सो प्यारियो, एक एक गलती का हिसाब किताब रखा जाता है। सारा चिट्ठा आखिर वो धर्मराज साढ़े अगे खोल के रख दिता है। गुरु नानक कहते हैं कि मैं जो बोलता है वो इत्थे भी सच, अगे भी सच। नानक दास मुखते जो बोला इहां उहां सच होवै। हर कर्म का हर स्वास का लेखा जोखा साडा हो रहा है, ये साडा ही ख्याल है। गुरु नानक कहिंदे नानक आखै रे मना सुनिया सिख सही, लेखा रब मगेसिया ते बैठा कढ वही। अजराइल फरेस्ता होसे आई तई, उहनू अजराइल कह लो, धर्मराज कह लो। धर्मराज उह शक्ति नूं कहा गया है जिस नूं सच दा न्याय करन दा हुक्म है। उहदा किसे नाल वैर नहीं, विरोध नहीं गा।
आवन जान न सुजी पीड़ी गली फही, कूड़ न खुटे नानका ते ओड़क सच रही। उस पीड़ी गली दा मुसलमाना दी पवित्र किताब अंदर वाल तो दसवें हिस्सा वह पुल पुरसलाद की नदी के उत्ते दस्या है कि जिथों की जीव पापा का बोझा सिरते हुंदा है वह जाता है। जमदू डंडे मारते हैं, थले गिरदा है तो पूं और रत की नदी वगदी है। इहदा जिक्र गरुड पुराण नूं पढ़ के तसल्ली कर सकते हो। उत्थे सारा जिंदगी का रंग उतर जाता है। कबीर साहब कहते जी जो मारे जोर कर ले जवाब खुदाए, दफ्तर लेखा मंग सी तब मार मुँह मुँह खाए। इत्थे तां मन आई असी करदे हैं, लेकिन अगे जद वह खुदा ने साह साह दा जवाब मंगया की मुंह लेके जाएगा, की जवाब सुनाएगा भाई। वो भी तांग च ही फिरदा है, ताक च फिरदा है। असी कह दिने हैं कबूतर देख के बिल्ली नूं अखां बंद कर लैंदा है। कुछ टाइम बाद वो अपने आप नूं बिल्ली दे मुंह च देखदा है। असी बेशक मौत नूं बसार दिए पर मौत नहीं सानू भुलदी नहीं। गुरु नानक कहिंदे मरन न मूर्त पुछिए, पुछी तिथ न वार, एक ना लदे एक लद चले एक ना बदे पार। लश्कर सड़े दवामिया छुट्टे बंक द्वार, नानक ढेरी इशार की पीपिर होई इशार। पहला भी मिट्टी सी फिर भी मिट्टी बन जाना है। मौत मुहूर्त नहीं पुछदी गी। तो जिन्हें भी कहते लाम लश्कर है चाहे राजा है प्यारे वो इत्थे ही छड़ जांदे है। गुरु नानक कहते हैं लखा तो अनुसलामा करते हो और लखा जियो जीव कहते हो, जे थोड़ी दरगाह जी पत नहीं गी तो किस के लेखे विच है। सो यही सानू सहजो भाई बड़े प्यार ना कुंभकर्ण रावण गए तो कहन लगी बड़े बड़िया की मसाक दे के दसिया है कि कुंभकर्ण रावण जिन्हां दे बाहुबल सदा ही फरकते रहेंगे, जिन्हां दे किसी नाल युद्ध ना करे, तो कहन लगे भी होर शिशपाल वर्गे बड़े बड़े दुर्योधन के भरा सन वो सारे मौत ने नगार ले। सारे रोंदे ही गए, रोया बली रावण मोया पुत जो मोह दे बाण ने सिटिया चीर दिल सी, वो भी रोंदा ही गया। निश्चय मरना सहजया जीवन की कहती है मरना जरूर है, चाहे मंदिर दे विच तुसी बैठे हो जिथे सोने की मीनाकारी की है, चाहे झोंपड़ी च रहने हो। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं भली सुहावी छापरी जामे गुण गाए, किसी ही कामना तौल हर जिते हर बसराए। वो छपरी अच्छी है, वो झोंपड़ी अच्छी है जिथे बैठ के परमात्मा नु याद कर लिया, उदी भगती कर ली। वो बड़े बड़े मंदिर किस काम बे जिथे परमात्मा नु बैठ के भुल जाने हैं। तो ये नहीं महात्मा का मतलब कि अगर मंदिर परमात्मा ने सानू रहन वास्ते दिते है ये साढ़े पिछे पुन का इनाम है, लेकिन वो दे विच सानू वो परमात्मा नु देन वाले नु भी याद रखना चाहिए कि उदे अगे जाके भी एक दिन पेश होना है। जी कै गरीब सिर टोकरी कै सिर छतर होए, जन्म मरण में एक से सहजो पांत ना
दोए। चाहे सिर ते टोकरी है, चाहे सिर ते छतर झुलदा है, जब जन्म हुंदा है दोने मास दा लोथड़ा हुंदे है, राजा और गरीब इको जी है, जब मौत आउंदी है और दोनों नूं ही कंधिया ते उठा के ले जांदे है। जदों साढ़े हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने शरीर छड़िया है राजीव गांधी जी ने, मैं उन्हां दी जद अंत्येष्टि हुंदी सीगी रेडुए दे उत्ते सुनदा रहा सारा दिन। बड़े ही विरागमई शब्द सीगे जिहड़ी मेरे तुक हमेशा कन्ना गूंजदी रहिंदी है, मन लाग्यो रे यार फकीरी में। तो प्यारियो आखर जे असी नहीं जींदे जी गावांगे तो साढ़े पिछले पासे जिहड़े हुंदे है वह गाउण लग जांदे है। हाथ में कुंडा है, बगल में सोटा है, चारों दिशा जंगीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। सो इस वास्ते कहंदी है सहजो बाई, जन्म मरण में एक से सहजो पांत न होए। तो उस वेले गरीब भी जो श्वास निकल जाते हैं वह हो जाए है, ते अमीर भी हो जाए है। जी मारना है रहना नहीं, जाना वाही ठौर, सहजो के कंगाल हो काहो द्रव कंडोर, आपन थिर हो है जो करे और काओ सोग, आपन थिर हो है जो करे और को सोग, सहजो साथी नाव के सभी बटाऊ लोग, बैठ बैठ बौतक गए जग तरवर की छाहें, सहजो बटाऊ बाट के मिल मिल बिछड़त जाहे। सहजो बाई ने दो मिसालां बड़ियां अच्छियां दे के समझाईयां हन। एक तां जदों साडे साथी या साडा कोई बच्चा या साडा कोई माता पिता जिन्हां नाल साडा लगाव हुंदा है, जां पत्नी या पति साथ छड्ड जांदे है, असीं सोग करदे हां, रोने हैं, चीकते चलाने हैं। तो सहजो बाई कहती है अगर सानू ये पता होवे कि असी तो आप साढ़े नाल यही कुछ होना है, आप थिर होइए तो दूजे का सोग मनाइए। तो जिस तरह नाव के अंदर अनेक मुसाफर आते हैं जाते हैं, इस तरह इस घर के अंदर अनेक ही भैन भरा बन के चले जाते हैं, अनेक ही माता पिता बन के जाते हैं। गुरु नानक ने भी कहा तुम रोम उनके तुमको कौन रोई, तंदा पिटो भाइयो तुम कूड़ कमावो, वो ना सुनी कथी तुम लोक सुनावो। ये जड़ा रोना है गुरु नानक कहते ये सिर्फ मतवल का है कि ये बिना साडा कम रुक जाएगा। हूँ माता कहती है वड्डा बेटा हो जाता मैनू को खटके खवाउंदा, आपो अपने मतवल की खातर कहिंदे ओ ना सुनी कथी तुम लोग सुनावो। ओ ता जिहदे अंदरों श्वास रुक गए सुनी देह हो गई हुण ओ सुनदा नहीं गा, तुम लोग सुनावो। असी एक दूजे नू बैठ के सुनाउंदे हैं। फिर आपने बिरश की मिसाल दिती, जिस तरह बिरश दे हेठ
नाव की तरह अनेक ही मुसाफिर लोग बैठ बैठ के चले जाते हैं, वो रहने की जगह नहीं होंगी गी। इस तरह से अनेक ही माता पिता भैन भरा बना के तुरे जाने हैं, पता नहीं किन्ने दफा असी अगे जाके बनाने हैं। तो ये सोझी कहती कितों आई, मैं गुरुआ तो आई। कबीर साहब ने कहा कि ऐसे कर हम बहुत वसाए, जब हम राम गर्भ होए आए, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म कीने बहु रंगा। जी यह रास्ता बहता रहे थमे नहीं छिन एक, बो आवे बो जात है, सह जो आखन देख। कहन लगे ए बेड़ी चलती रहती है, एक आउंदा एक जांदा है, जमदे है मरदे है, ये तो रस्ता ना बंद होया ना होवे। गुरु नानक भी कहंदे जो उपजया सो बिनत है, बिनस है परयो आज के काल, नानक हर गुण गायले छाड़ सगल जंजाल। कहन लगे इन्हां दे हुंदिया होया तुसी आप दा ख्याल अपनी मंजिल दी तरफ रखो। मैं दसदा हुंदा तीन बंदा बातां सत्संगी दे हमेशा ध्यान छोड़ कि मैं कित्थों आया। अगर जे सानू इस चीज़ का ज्ञान होवे तो असीं खोजांगे भी मैनू की करना चाहिदा है, अगे मैं जाना कित्थे है, ये पता लाउणा प्यारे हो। अंदर जिहड़े जांदे है कोई मुश्किल नहीं, असी दूसरे का भी पता ला सकते हुंदे हैं भी वह कि जून च पिया है, कि उहदी संभाल होई या ना होई। तो आपदा की मुश्किल है कि मैं किन्ने जन्म। अगर महात्मा नूं इस चीज़ का ज्ञान होया तो उन्होंने कहा कि असी कई जन्म इस तरह संसार दे विच आउंदे रहे हैं। और कई दफा घर वसा के चले गए हैं। मैं दसदा हुंदा है कि बाबा बिशन दास दा जिस तो मैंने दो शब्द का भेद मिलिया सीगा, एक मुसलमान फकीर साथी सी जिहदा नां फत्ती सीगा, उहदे कोल भी दो ही शब्द का भेद सीगा। उहनां दा बड़ा प्यार सी। जद महाराज सावण सिंह दे ओह दर्शनां नूं मैं लेके गया उहनां नूं, तो फत्ती ने बैठे बैठे ने कहा कि थोड़ा एक जामा राजे फरीदकोट दे भी होया है। फरीदकोट स्टेट पंजाब अंदर है। अजकल तो जेडे राजे है उन्हों की हौद खत्म हो गई है, हिंदुस्तान च मिल गए है। महाराज हस के कहन लगे हाँ भाई हुण जे मैं कहां उन्हां महलां दे विच कोई तुसण देवेगा मैनू। इस वास्ते अनेक वारी आए अनेक वारी जाने हैं। सहजो बाई कहिंदी कौन चंगा है भाई जिहड़ा इह जंजाल चों रहिंदा होया, इन्हां दा भी लैणे देण दा भुगतान करदा होया शब्द नाम की कमाई करदा है। गुरु नानक कहिंदे है सतगुर पूरा भेटिए पूरी होवे जुगत, हसंदियां खलेंदियां पैनेंदियां विचे होवे मुक्त। गुरु सानू पूरी जुगती रस्ते की वाकफियत दसदा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे पढ़ पुस्तक संध्या बादंग, सिल पूजस बगल समादंग, दोए तोती बस्त्र कपाटंग, जे जानस बर्म करमंग, सब फोकट ने चो करमंग, कहो नानक ने चो त्यावै, बिन सतगुर वाट ना पावै। जब तक उस रस्ते का वाकफकार ना मिलेगा उस अंधकार चो कोई कढ़न वाला नहीं गा। जग देखत तुम जावेगे, तुम देखत जग जाए, सहज
जो जो ही रीत है मत कर सोच उपाय मुए सोकाया जा रही बहर न मिल है आए रोए ता कहा होत है सह जो चुरे बलाए चोर चोर के पिंजर पे रोए गवाए नैन मार गए सोना मिले सह जो सुने ना बैन। सहजो बाई ने अच्छी तरह सानू प्यार ना समझा दिता जा साडे किसे घर विच प्यारे दी मौत हो जांदी है असी अखां खराब कर लैने हैं रो रो के पिंजर शरीर नू बना लैने हैं खाना नहीं खांदे छड़ दिने हैं। सहजो बाई बड़े प्यार ना कहिंदी है कि वेखो बई उन्हें हुण तुहाडे वैण या तुहाडियां गल्लां नहीं सुननियां गईयां चंगा उही है जिहड़ा पाणा मन्ने। सो सहजो बाई ने सानू हर तरह ना समझा दिता कि नाम जपना क्यों जरूरी है नाम दा भेद सानू संतां तो मिलता है वो साड़ी देह और वजूद दे अंदर है गुरु बगैर रस्ता नहीं मिलता। गुरु नानक ने कहा नानक गुरु न चेतनी मन अपने सो चेत छुट्टे तिल वाड़ ज्यों सुंजे अंदर खेत। जो लोग अपने ही मन अंदर सुचेत होए फिरदे आ सानू किसे गुरु पीर दी जरूरत ही नहीं कहण लगे ओ परमात्मा ने इस तरह छड़ देने है रद्द कर देने है जिस तरह तिलां दा खेत हुंदा है। तो जिमीदार लोगों नू पता है कि किन्ना डोडियां दे अंदर बीज है किन्ना च नहीं जिन्ना च बीज नहीं पैदा उन्हां दे फुल भी हुंदे है डोडियां भी लगदियां हन उन्हां दा कद काठ भी पूरा हुंदा है लेकिन जिमीदार उन्हां नू कटदे नहीं खेत ही छड्डे आउंदे है। तो मनमुखां दे पुत्र धियां भी हुंदे है शरीर भी हुंदे है चंगे मान वड्याई भी उन्हां कोल सारा कुछ ही हुंदा है लेकिन वह उस तिल के बूटे जैसे है परमात्मा आखिर उन्होंने अपने घर में जगह नहीं दिता गा उन्होंने रद्द करके सुट दिता है। खरे परख खजाने पाए खोटे भरम भुलामने पिछले जमाने साढ़े देखण च चांदी की करंसी होंगी सी जब असी मामला तारन जाते तो खजानसी की करता सीगा रुपए नूं अच्छी तरह खड़का के देख लैंदा सीगा कि यह खरा है अगर उहदी आवाज सही नहीं तो उहनूं टक ला के रद्द कर दिंदा सी। साडी भी हर जन्म तो बाद इस तरह धर्मराज परख करता है अगर खोटे हैं परख दे काबल नहीं वो सानू भी रद्द करके नरकां नूं धकेल दिंदा है। गुरु नानक कहिंदे है कि चित्र गुप्त जब पूछते लेखा फिर क्या जवाब करे की जवाब करेगा भाई जदों उन्होंने पूछया कि ये पाप रखे तले दराए हुण तां असी छुपाले किसे कोल भेद ना खोलिया जो मर्जी असी बूहा बंद कीता ते कर लिया अगा पिछा देखिया कोई वेंदा नहीं। गुरु नानक कहिंदे आ कि ये पाप रखे तले दराए प्रगट पए नादान जब पूछे धर्मराए। वो ग्राही ग्राही दा जिहड़ा लेखा है साव है वह मंगदा है। सो सहजो बाई ने सानू हर तरह नाल प्यार नाल बड़ियां अच्छियां अच्छियां मसालां कि दुनिया एक नदी नाम संजोगी मेला है इहदे विच जिहड़े सियाणे आदमी है जिन्ना चिर सुआस चलदे है
वह इन्हों पूरा ही फायदा उठाते। फायदा की है कि नाम की कमाई करनी, शब्द की कमाई करनी। और शब्द की कमाई का भेद गुरु नानक ने कहा, बिन सतगुर वाट ना पावे। बगैर गुरु तो असी इस मंजिल पहुँच नहीं सकते, रस्ता तय नहीं कर सकते। लेकिन सतगुरु नूं पाउणा साडे अपने वस नहीं। वह भी जे आदि करता परमात्मा मेहर करे तद ही असी ऐसे महात्मा के चरणों में जाके बैठ सकते हैं। साडे अंदर इच्छा उठती है कि असी भी नामदान प्राप्त कर लईए। गुरु नानक कहिंदे, करम होए सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। अगर साडे अच्छे कर्मा का इनाम परमात्मा दे दिंदा है तो साडे अंदर सतगुरु तो नाम लैण की इच्छा प्रगट हुंदी है। जब सतगुरु साडे ते मेहर करदा, दया करदा, साडी उस सुरत नूं अंदरों शब्द दे नाल जोड़ दिंदा है। सो इस वास्ते सानू भी चाहीदा है कि अपने जीवन नूं पवित्र बनाइए, शब्द नाम की कमाई करिए। जिस तरह खुले दिल ना साडे गुरुआं ने साडे उत्ते रहम कीता है, दया कीती है, नाम की बारिश कीती है, साडा भी फर्ज बनता है, साडे ते जिम्मेवारी आउंदी है कि असी भी ईमानदारी नाल उस दे दित्ते हुए नाम की कमाई करिए। जो कुछ वो आ गया सानू दे गए है, जेड़े वो कहिंदे सन कि मेरी देह ना मेरे बचना की कदर करो, इस दे नाल तुहाडा बड़ा फायदा होएगा। वो बचन संत जो करते हैं वह नाश या फना नहीं होंगे गे। गुरु नानक ने कहा, गुर का बचन जी के संग। गुर का बचन सदा अविनाशी, गुर का बचन कट्टे जम फांसी। वो जो बोलता है वह परमात्मा ही उसनु सुनता है। जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनया, सोई वरत्या जगत में खट खट में लुणिया। मनमुख बोलता है तो किसी थाए नहीं पैंदा, गुरमुख बोलता तो परमात्मा आवाज सुनता है। सो सानू जो कुछ वो कह गए है साडे गुरुदेव जी, साडा हक बनता है कि असी नाम की कमाई करिए, अपने जीवन नूं सफल बनाईए। जिन्ने साडे ख्याल पवित्र होणगे उन्ना ही साडा मन पवित्र होएगा। जिन्ना मन पवित्र होएगा उहदा असर आत्मा ते पएगा, आत्मा पवित्र होएगी। जब आत्मा पवित्र होएगी तो प्यारिओ, जब लोहा साफ है तो मैगनेट दे जद नेड़े होएगा, मैगनेट आप दे नाल खिंच लेगा। तो शब्द दे विच भी कशिश हुंदी है, वह भी आत्मा नूं फौरन आप दी तरफ खिंच लैंदा है। तो मैगनेट की करेगा, पारस की करेगा जे लोहा खोटा है, जे असी विशे बकारा नाल लिबड़े ही बैठे हैं तो गुरु बेचारे का की दोष है। गुरु बेचारा क्या करे, जे सिखन में चूक, अंधे एक न लगी जो वास वजाई फूक। सो सानू जो परमात्मा ने दया करके अमोलक हीरा जन्म दिता है मनुख का, गुरुआ ने दया करके अमोलक नाम देता है। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवा लग्या कड़ रतन देवे प्रकाश। सो सानू भी नाम की कमाई करनी चाहिए है, जीवन सफल बनाना चाहिए है।